बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपका सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम एफएससी पार्ट टू सेकंड ईयर जो है उसका पेपर पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास पेपर में टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं सेकंड ईयर में, और 9 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा होता है एमसीक्यूज़ का। हम देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो एमसीक्यूज हैं वो किस किस चैप्टर में से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है एमसीक्यूज का, ये एमसीक्यूज होंगे हमारे पास फुल बुक के और टोटल होंगे 20। इसमें किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे हम ये देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर जो है वो हमारे पास हैं टोटल 7। चैप्टर नंबर 1 में से हमारे पास आएंगे 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास आएंगे 4 MCQs, चैप्टर नंबर 3 में से हमारे पास आएंगे 4 MCQs, चैप्टर नंबर 4 से भी 4 MCQs आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें हमारे पास 1 MCQs हमें मिलेगा, चैप्टर नंबर 6 में से हमें 3 MCQs और चैप्टर नंबर 7 में से हमें 2 MCQs मिलेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का, जिसमें से हमारे पास टोटल जो है वो 20 एमसीक्यूज हैं और किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, और इसमें हमारे पास टोटल 12 पार्ट होंगे और हमने इसमें से 8 पार्ट करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 12 हैं, हमने 8 अटेम्प्ट करने हैं। हमारे पास इसमें 2 चैप्टर होंगे, एक चैप्टर नंबर होगा 1 और दूसरा होगा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में से हमारे पास टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 2 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम चैप्टर नंबर 2 ही कर लें तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 12 पार्ट होंगे, हमने उसमें से 8 अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें जो चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर है 3 और 4। चैप्टर नंबर 3 में से हमारे पास 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 4 में से हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये है हमारे पास टोटल क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 और 4 से आ रहे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमारे पास जो पार्ट हैं वो 12 नहीं बल्कि 13 होंगे। 13 पार्ट होंगे और अटेम्प्ट जो है वो हमने 9 करने होंगे। इसमें हमारे पास 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5 होगा, चैप्टर नंबर 6 होगा और चैप्टर नंबर 7 होगा। चैप्टर नंबर 5 से हमारे पास आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन, 7 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की डिटेल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 की, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनकी डिटेल कुछ इस तरह होती है कि उनमें हमारे पास एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 तक हमारे पास क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ए पार्ट जो है वो तो आएगा हमारा चैप्टर नंबर 1 से, बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका ए पार्ट जो आएगा वो आएगा एक्सरसाइज नंबर 3.4 तक ए पार्ट होगा, और जो बी पार्ट है वो होगा एक्सरसाइज 4.3 तक ए पार्ट इसमें से होगा और बी पार्ट इसमें से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो वो है एक्सरसाइज नंबर 3.5 to 3.8, यानी कि जो रिमेनिंग चैप्टर एक्सरसाइजेज थी वो ए पार्ट, और बी पार्ट जो होगा वो आएगा हमारा चैप्टर नंबर 5 से।
और उसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड है, जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो हैं 5.3 के हैं, 5.2 के लास्ट क्वेश्चन है, तो इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा आएगा एक्सरसाइज नंबर 4.4 प्लस 4.5 से, जबकि इसका बी पार्ट जो होगा वो आएगा एक्सरसाइज नंबर 6.1 टू 6.3। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 6 का जो रिमेनिंग है, यानी कि एक्सरसाइज 6.4 टू एंड, यानी 6.9, ये ए पार्ट बनेगा और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 7 से। ये थी हमारे प्यारे बच्चों स्कीम ऑफ स्टडी जो हमें बोर्ड की तरफ से मिली है 2020 की। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कितने चैप्टर या कौन कौन सी एक्सरसाइजें छोड़ दें तब भी हम 100/100 मार्क्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आए और आप लोग हमारी वीडियो देख सकें। अल्लाह हाफिज़।